जैसे कि तुम लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई सोलो रैंक पुश के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताओ। देखो मैं टिप्स एंड ट्रिक तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला गेम तुम देख सकते हो, 15 किल के साथ बुइया और 46 प्लस मिला है, और उसके बाद 9 किल के साथ टॉप 10 21 प्लस मिला है, और उसके बाद 18 किल के साथ बुइया ओवी 44 प्लस के साथ, और यहाँ पर 16 किल के साथ बुइया 46 प्लस, और यहाँ पर तो 18 किल के साथ बुइया और ये भी 46 प्लस मिला है, और यहाँ पर 24 किल के साथ बुइया ओ भी 46 प्लस मिला है, और यहाँ पर 25 किल के साथ बुइया और यहाँ पर 42 प्लस मिला है, और उसके बाद फिर से 25 किल के साथ बुइया और 71 प्लस मिला है, यानी इसके साथ डेली 20 प्लस भी था। तो ये देख के तुम्हें तो लग रहा है कि हाँ तुम भी यहाँ पर काफी इजीली जो है यहाँ पर तुम भी सोलो रैंक पुश कर सकते हो और जल्दी से जल्दी हीरोइक या फिर मास्टर पे पुश कर सकते हो। बट ये टिप्स एंड ट्रिक है क्या, कौन सा तुम मास्टरमाइंड लगा सकते हो जिससे तुम्हारा किल भी ज्यादा हो और हर एक गेम बुइया होगा। बट उससे पहले मैं और एक मैं यहाँ पर तुम्हें जो है प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा सोलो गेम प्ले देख सकते हो, 22 गेम खेला मैंने और 17 गेम बुइया किया, 22 में से 17 गेम बुइया और 343 किल। भाई कोई मजाक थोड़ी है, क्या मैं सच्ची में यहाँ पर कुछ हैक यूज कर रहा हूँ या फिर क्या टिप्स एंड ट्रिक यूज कर रहा हूँ, सारे कुछ गाइस आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो अगर तुम भी रैंक पुश करना चाहते हो ओबी सोलो में तो ये वीडियो को बिना किसी स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यहाँ पर तुम तो प्रूफ देख सकते हो कि मैं ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है विद प्रूफ मैं बताऊंगा कि तुम कैसे कर सकते हो। तो देखो अभी फाइनली बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, और जहाँ तक हैक की बात है देखो ये मेरा रियल आईडी है, इसमें तो हैक करना नाम मुमकिन है, बिकॉज इसी आईडी पे मैंने लाखों खर्च करके रखा है, तो इसमें तो हैक करने की कोई बात ही नहीं उठता। तो अभी फाइनली बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक मैं क्या यूज करता हूँ। देखो सबसे पहला जो टिप्स मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो है करेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो करेक्टर कॉम्बिनेशन एक ऐसा चीज है जो तुम्हारा गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है, बट यहाँ पर करेक्टर स्किल के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा तुमसे, पहले बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जो तुम्हें यूज करना चाहिए सोलो रैंक पुश करने के टाइम। देखो अगर तुम सोलो रैंक पुश करना चाहते हो और अच्छा खासा प्लास तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा किल करना है, ये ऑब्वियसली बात है। अगर तुम किल नहीं करोगे तो बोया भी करोगे तो भी ज्यादा प्लास तुम्हें नहीं मिलेगा, तो इसमें तुम्हें किल तो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 25 तक किल करके रखा था, भाई कोई मजाक थोड़ी है, और इसमें तुम भी कर सकते हो जो टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो पहले ही तुम्हें फाइट लेना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी उतर के तुम पुश कर रहे हो, ये गलत बात होता है, तुम पहले फाइट लो। इससे तुम्हारा फायदा क्या होता है, तुम एक अच्छी जगह पे उतर सकते हो, उसके बाद एक या दो गान उठाओ, उसके बाद तुरंत फाइट लेने चले जाओ। इससे क्या होगा, तुम अगर गलती से डाउन भी हो जाते हो तो यहाँ पर जो है तुम फिर से रिवाइव हो जाओगे, जो कि बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक यहाँ पर रिवाइव वाला आइकन बन के रहता है उसी टाइम तक तुम यहाँ पर बिंदास फाइट ले सकते हो, उसके बाद तुम थोड़ा बहुत सेफ खेलो ये बनता है, बट पहले रास जरूर करो, इससे तुम्हारा किल भी आ जाएगा और यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा प्लस भी मिलेगा। और ये टिप्स एंड ट्रिक को तो मैं हर एक गेम पे यूज करता हूँ। अभी बात करते हैं सोलो रैंक पुश के लिए दूसरा टिप्स एंड ट्रिक तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए, जो कि है हेडशॉट कनेक्ट। देखो यहाँ पर अगर तुम अच्छा खासा गेम प्ले नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली तुम उतना ज्यादा प्लस नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेम प्ले अगर तुम्हारा सही नहीं है तो तुम यहाँ पर जितना भी कोशिश करो उतना अच्छा तो प्लस नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा बट कर लोगे, लेकिन जल्दी से जल्दी करने के लिए तुम्हें यहाँ पर हेडशॉट तो मारना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर तुम बैकग्राउंड पे क्लिप देख रहे हो, खतरनाक हेडशॉट के साथ मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है एनिमी मेरे को टच भी नहीं कर पा रहा है, उससे पहले मैं उसको डाउन कर रहा हूँ, और इसी वजह से जो है किल भी मेरे को ज्यादा मिल रहा है और उसके साथ साथ बुइया और प्लास। तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किल करना है और यहाँ पर तुम्हें जो है हेडशॉट के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम हेडशॉट अच्छा खासा कनेक्ट कर लेते हो तो सामने एक बंदे को तो तुम काफी इजीली देख लोगे। अभी बात करते हैं तीसरा टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, फिर बात करूंगा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जो तीसरा टिप्स एंड ट्रिक तुम्हें यूज करना है। देखो सोलो में दिक्कत क्या होता है, तुम्हें पीछे से कवर देने के लिए कोई होता नहीं है, तुम अगर गलती से भी कुछ थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो सामने वाला बंदा तुम्हें काफी इजीली डाउन कर देता है, लेकिन उसी जगह पे अगर तुम्हारे पीछे एक सपोर्ट रहता है तो तुम यहाँ पर अच्छा खासा गेम प्ले कर पाओगे और डाउन होने का डर भी नहीं रहता है। तो इसीलिए तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम्हें इस तरह की ड्रॉप देखने के लिए मिलता है इसके पास जाके थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लो, इससे तुम्हें यहाँ पर एक सिरिंज मिलेगा, और यहाँ पर जैसे ही तुम्हारे पास सिरिंज आ जाएगा तो तुम यहाँ पर जो है
तीर से रिवाइव हो सकते हो ये सिरिंज की मदद से, बट अगर क्लोज रेंज की फाइट पे तुम डाउन हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि एनिमी सामने ही रहेगा, तुम्हें काफी इजीली डाउन कर देगा। बट यहाँ पर अभी बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, जो मैं पहले ही तुम्हें बताया, करेक्टर कॉम्बिनेशन। और करेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए मैं तुम्हें ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि कौन सा करेक्टर स्किल तुम्हें यूज करना चाहिए ताकि तुम अच्छा खासा एटलीस्ट गेम प्ले कर पाओ। तो गाइस चलो मिलते किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।